हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस न्यू लेक्चर एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अभी में हम लोग ड्राइव करेंगे जो वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है, फॉर्मूला होता है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस में किस तरह से ड्राइव करते हैं। एक चीज़ तो आपको समझ में आती है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये है कि उसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा और आइसोथर्मल प्रोसेस एक पाथ फॉलो करती है और वो पाथ क्या होगा, PV इक्वल्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा हर जगह कॉन्स्टेंट होगा। हर जगह कॉन्स्टेंट होने का मतलब ये है कि मान ली यहाँ पे 50 है तो यहाँ पर भी 50 होगा, यहाँ पर भी 50 होगा, यहाँ पर भी 50 होगा, यहाँ पर ये मतलब प्रेशर वॉल्यूम तो कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अब आपको मालूम है कि जो वर्क डन होता है डेल्टा W वो क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल्स होता है पी डी वी। नॉन फ्लो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, पी डी वी होता है। तो आप इसमें इस तरह से कर सकते हैं, डेल्टा W प्रोसेस वन से टू में आपको ऊपर ग्राउंड फाइंड आउट करना है, इक्वल्स हो जाएगा पी डी वी इंटीग्रेशन वन से टू। ठीक है, अब आपको आपको पी वी इक्वल्स सी दिया है तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, पी इक्वल्स क्या आ जाएगा, सी अपॉन वी। ठीक है, तो मैं पी की जगह क्या पुट अप कर देता हूँ, सी अपॉन वी। तो डब्ल्यू इक्वल्स क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट किया आपने डब्ल्यू, ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल्स आ गया इंटीग्रेशन वन से टू और पी की जगह मैं रख देता हूँ सी अपॉन वी डी। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो W इक्वल्स क्या आ जाएगा, C बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन वन अपॉन वी डी वी। ठीक है, आपको मालूम होगा वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स क्या होता है, लॉग एक्स एल एन एक्स। तो W इक्वल्स क्या आ जाएगा, C ये वन से टू है, लॉग एक्स और वन से टू। तो W इक्वल्स आ गया C, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो log x 2, सॉरी ये x के लिए v आएगा ना, v log v 2 माइनस log v 1। ठीक है, तो W इक्वल्स आ जाएगा C log v2 अपॉन v1। ठीक है, और c की जगह आप क्या रख सकते हो, इसमें क्या है, p1 v1 इक्वल्स p2 v2 इक्वल्स c। तो मैं c की जगह क्या पुट अप कर सकता हूँ, p1 v1 पुट अप कर सकता हूँ, p2 v2 पुट अप कर सकता हूँ, तो इक्वल्स आ जाएगा p1 v1 log v2 अपॉन v1। ठीक है, इसके बाद आप इसमें इसके और भी लिख सकते हो, W इक्वल सी भी लिख सकते हो, इसमें आप W इक्वल सी भी हो सकता है, P2 V2 log V2 अपॉन V1। ठीक है, और एक चीज़ और है, यहाँ पे P1 V1 इक्वल्स P2 V2 है तो V2 अपॉन V1, यहाँ से आप देखो, यहाँ से V2 अपॉन V1 इक्वल्स क्या आ जाएगा, V2 अपॉन V1 इक्वल्स V1 अपॉन V2। तो W इक्वल्स ये भी लिख सकते हैं आप, P2 V2 या V1 V1 log P1 अपॉन P2। ठीक है, तो W के बहुत सारे एक्सप्रेशन आ गए, एक तो W का एक्सप्रेशन ये आ गया, दूसरा एक्सप्रेशन ये आ गया, तीसरा एक्सप्रेशन ये आ गया। इवन आप इसको टेम्परेचर के टर्म्स में लिख सकते हैं, PV इक्वल्स MRT होता है, तो W इक्वल्स एम आर टी। ठीक है, टी वन टी टू कुछ भी ले सकते हैं, लॉग पी वन अपॉन पी टू, इस वाले टर्म्स में हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन होता है वर्क डन का आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब हम फाइंड आउट करेंगे जो वर्क डन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में वो क्या होता है। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस आपको मालूम है, एडियाबेटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें हीट इंट्रैक्शन नहीं होता है ना, कोई भी हीट का ना एडिशन होगा ना हीट का रिएक्शन होता है। और एडियाबेटिक प्रोसेस जो पाथ फॉलो करती है वो होता है
आपका पी ए की पावर गामा इक्वल्स कॉन्स्टेंट, पी बार गामा इक्वल्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल्स वी डी, स्मॉल डी डब्ल्यू हम बात करो, डी डब्ल्यू नॉन फुल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, पी डी, ठीक है। यहाँ से पी की पावर गामा इक्वल्स सी है, दिस इम्प्लाइज पी इक्वल्स क्या हो जाएगा, सी अपॉन पी की पावर गामा। ये तो आपको समझ आता है पी की पावर गामा इक्वल सी, इसका मतलब ये मान लो पी की पावर गामा की वैल्यू यहाँ 60 है, तो यहाँ भी हर जगह 60 होगी, इस जगह भी 60 होगी, इस जगह भी हर जगह 60 होगी, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो सकते हैं, और यहाँ पे गामा क्या रिप्रेजेंट करता है, गामा रिप्रेजेंट करता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, सी पी अपॉन सी पी, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यदि आप इसमें देखेंगे तो वही एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो पी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये वैल्यू आप पी की जगह रख देंगे, तो पी की जगह ये तो आप ये वैल्यू रखोगे तो डब्ल्यू इक्वल्स आ जाएगा आपका 1/2, 1 से 2 इंटीग्रेशन 1 से 2 सी की पावर सी अपॉन वी की पावर गामा डी। तो W इक्वल्स यहाँ से आ जाएगा C V की पावर माइनस गामा इंटीग्रेशन 1 से 2 dV इक्वल्स आ जाएगा C 1 से 2 V की पावर माइनस ऑफ गामा dV। इसको इंटीग्रेट करोगे x, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। इसको यहाँ पे करेंगे तो ये जाएगा सी वी की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा 1 से 2 ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका C और इधर V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 और ये माइनस गामा प्लस 1 की बाहर ले लेते हैं और माइनस V1 की पावर। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा C V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस सी V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। सी की जगह क्या रख सकते हैं, P2 V2 की पावर गामा रख सकते हैं, सी की जगह P1 V1 की पावर गामा रख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस इधर P1 V1 की पावर गामा इंटू V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ये बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, एडअप हो जाएंगे, गामा माइनस गामा कैंसिल आउट, गामा माइनस गामा सिर्फ 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 और नीचे आ जाएगा माइनस गामा प्लस 1 माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा P1 V1 माइनस अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल्स ये आपका एक्सप्रेशन आ गया।